अब सड़क हादसों को कम करने पर सरकार नई पहल करने जा रही है। सिंगापुर की तर्ज पर गुरुग्राम अब 9 होंक जोन बनेगा। अगले महीने से जमीनी स्तर पर इसका काम किया जाएगा। सिंगापुर की तरह गुरुग्राम भी 9 होंक जोन बन रहा है। धीरे धीरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। अगले महीने से जमीनी स्तर पर इसमें काम शुरू किया जाना है। अनावश्यक हॉकिंग पर अब कार्रवाई भी होगी। एक विचार इस प्रकार का आया है कि इसमें शहर के कुछ ऐसे हिस्से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जिनको नो होंक जोन बनाया जाए, क्योंकि इवेंचुअली जो साइंटिफिक स्टडीज का दावा है कि जो होंकिंग है, रेगुलर होंकिंग है या इररेस्पॉन्सिबल होंकिंग है, उसकी वजह से भी इरेशनल ड्राइविंग बढ़ती है और उससे एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो जो आने वाली डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हम ये मुद्दा रखेंगे और उसमें कोई एरिया या कोई सड़क पहले चिन्हित किया जाएगा, उसको नो होंक जोन डिक्लेयर करेंगे और उस पर काम करेंगे। आगे जैसे जैसे उसकी सफलता मिलेगी वैसे इस स्कीम को फिर बाकी एरियाज में भी बढ़ाया जाएगा। तो सिंगापुर की तर्ज पर अब गुरुग्राम भी नो होंक जोन बनने जा रहा है। पहले गुरुग्राम में ये व्यवस्था लागू की जाएगी और उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किए जाने की जानकारी है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय राठौर हैं। संजय, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सिंगापुर की तर्ज पर गुरुग्राम भी अब नो होंक जोन बनेगा। सिंगापुर की तर्ज पर गुरुग्राम में अब हॉकिंग जो है वो पूरी तरह से बैन की जाएगी। आप आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सेस में हॉर्न यहां पर नहीं बजा पाएंगे। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रित करने के लिए ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है।